Hi guys, I'm back with a new vlog and now this time we are in Igatpuri and from this way we have entered this resort and this is the resort's entry. So let's go in and explore the resort. So guys, let's go inside and see the resort. Here is the entrance. उसके ठीक राइट साइड में रिसेप्शन एरिया है. दिस इज द रिसेप्शन वेयर यू गो. एंड एग्जैक्टली अपोजिट वी हैव द कार पार्किंग एरिया. एंड दिस इज द वे वेयर वी गो टू आवर कॉटेजेस. बारिश चालू हो गई है. यहाँ पे सारे बेंचेस दिए गए जहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हैं. एंड दिस साइड इज ऑल द मैंगो ट्रीज. यहाँ पे आगे प्राइवेट विलाज है जो प्राइवेटली अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आना पसंद करेंगे. और बाकी सारे ये सारे कॉटेजेस है. ये गार्डन व्यू के कॉटेजेस के एंट्रेंस है. Let me show you. This is how it is. The garden cottages, all greenery with beautiful area sitting like this, and then inside the room they have made it very beautifully. यहाँ पे दो cottages नए बन रहे हैं. Let me show you the ये देखिए, ये नया एक बन रहा है और उसके ठीक बगल में ये हमारा कॉटेज है. ओह वाओ, दिस इज अ नाइस प्लेस. दिस इज अ सिटिंग एरिया ऑफ आवर रूम. यहाँ पे दो चेयर दिया है, एक स्विंग चेयर दिया है. यहाँ से आराम से शाम को चिल करके आप यहाँ से ये व्यू का मजा ले सकते हैं. ये डोर ऐसे चेन से ओपन होता है. And this is how it looks. Let me show you exactly from one corner how it looks. This is the door, this is the area, and this is the main door, like where we can go outside. Let's go inside to the room. This is the room. This is very spacious. यहाँ पे हम लोगों ने लगेज रखा है फर्नीचर के साथ. यहाँ पे मिनी फ्रिज है वेयर यू कैन स्टोर योर कोल्ड ड्रिंक्स एंड हार्ड ड्रिंक्स विच इज एम्प्टी राइट नाउ. एंड ये टी कॉफी मेकर है. दो पानी का बॉटल दिया है एंड देन अपना नॉर्मल टी कॉफी. एक फैन दिया है एंड ऑल्सो वी हैव एसी एंड दिस इज नॉर्मल फैन. दिस डिजाइन आर वेरी नाइस. वी हैव फ्रेम है. ये सारे वुडन फ्लोरिंग है बाय द वे. इफ यू सी डाउन ऑल्सो वी हैव वुडन फ्लोरिंग. लेट मी सी द मेन्यू. ओ, मेन्यू कार्ड तो फट गया. ओके. वी ऑल्सो हैव अ क्वीन साइज बेड. मुझे कुछ खास इसका ये लगा नहीं. ये कौन सा? ओह, दिस इज मी मिरर. यहाँ पे कबर्ड दिया है. वी ऑल्सो हैव अ सेफ एंड हैंगर्स. वी क्लोज दिस. दिस इज अ काउच वेयर यू कैन सिट. This is the washroom area. Let me see the washroom area. This is the shower area. And this is toiletry area and wash basin. उन्होंने कुछ ऐसे toiletries दिए तो नहीं है फिलहाल. सिर्फ towel दिया है. So आप साइड से देखोगे तो exactly ऐसा दिखता है.
और रूम यहाँ से दिस साइड. सो आफ्टर दिस आर कॉटेज, देर आर मैनी कॉटेजेस ओवर हियर. लाइक मेरे ये बाजू में एक है, इधर एक है, ये गार्डन एरिया है आई गेस. यहाँ पे लेट मी सी, ये देखिए गार्डन एरिया है, यहाँ पे झूला वगैरह है, यहाँ पे भी एक झूला है, ये सिटिंग एरिया है. काफी मेंटेन करके रखा है उन्होंने, जो भी है एक गार्डनर है रखा है उन्होंने, जो अपना प्लांट्स हो या तो फ्लावर प्लांट्स हो सबके मेंटेनेंस वो एक बंदा देख लेता है सब. सो बेसिकली यहाँ पे जो भी कॉटेजेस है, जो यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से सारे कॉटेजेस सारे गार्डन व्यू है. अभी मैं आपको पूल साइड के कॉटेजेस के साइड में लेके जाती हूँ. मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा पूल एरिया में एंटर करते टाइम. यहाँ पे इज जस्ट लाइक सी सम रॉ फ्रूट्स. यहाँ पे चेंजिंग रूम है फॉर द पूल और ये है पूल साइड कॉटेजेस. यहाँ से व्यू काफी सुंदर है. लेट मी शो यू द पूल. ये ऊपर जो है यहाँ से ये गेमिंग एरिया है, जहाँ पे मैंने आपको पहले किचन एरिया बताया था, फिर ये उसके ऊपर ही गेमिंग जोन है जहाँ पे कैरम वगैरह सब है. मैं ये आपको बाद में लेके जाऊंगी. और ये पूल एरिया है और यहाँ के सामने कॉटेजेस है जो पूल साइड है. सो हम लोग ने अभी कुछ स्टार्टर्स मंगा लिया है, फ्रेंच फ्राइज, ऑमलेट, एंड उन्होंने ऑमलेट के साथ ब्रेड भी दिया है और चिकन भुना भी है. सो लेट मी टेस्ट सम. हम लोग ने फ्रेंच फ्राइज बाय द वे विदाउट सॉल्ट मंगाया है, आपका प्रेफरेंस है, आपको जो भी मंगाना हो तो लाइक ऑलवेज गुड क्रिस्पी एंड हॉट. उसको हम लोगों ने मिर्ची डालने के लिए मना किया था बट इसने मिर्ची डाल दी है. ऑमलेट तो बेस्ट ही होता है. आई एम एक्साइटेड फॉर चिकन भुना एक्चुअली. लेट मी टेस्ट इट. काफी बड़ा पीस है. चिकन मसाला थोड़ा सा च्यूवी है, थोड़ा च्यूवी है बट मसाला वगैरह काफी अच्छा है. लेट मी फिनिश दिस नाउ. ओके द वॉटर इज सो चिल्ड, सो चिल्ड एंड ऊपर से बारिश भी हो रही है, काफी चिल्ड है. He's feeling too much chilled. दूर ये काफी चिल्ड है. आओ आ गया सर. रूप में थोड़ा एडजस्ट होता है. ऐसे नहीं एडजस्ट होएगा सर, डुबाना पड़ेगा तब जाके एडजस्ट होएगा. I will not डुबो for anything. फिर भी मैं एडजस्ट हो जाऊंगी. काफी चिल्ड है. गाइस पानी बहुत ज्यादा क्लीन है और ऊपर से चिल्ड भी उतना ही ज्यादा है. I can see people are coming inside now.
ये तो एलिगेटर में टर्न हो गया, अंदर ही चला गया। आ गया बाहर आ गया। सो दिस इज द गेमिंग एरिया। टेबल टेनिस है, कुछ कैरम्स है, ये छोटे बच्चों के लिए सीटिंग टेबल लगाया है। यहाँ पे नॉर्मल आप बैठ के कुछ ऑर्डर करके खा भी सकते हैं, लाइक जैसे आप फ्रेंड सर्कल्स के साथ आए, सो यू कैन एन्जॉय फूड ओवर हियर व्हाइल वेल यू प्ले। एग्जैक्टली गेमिंग एरिया के यहाँ से ही आपको ये पूल एरिया भी दिखेगा, जो मैंने मॉर्निंग सिंह का भी दिया है। ये नाइट व्यू है एग्जैक्टली। ये इसका नाइट व्यू है। हाय गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड वी आर चेकिंग आउट ऑलमोस्ट, वी आर रेडी। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने दिखाया नहीं, उसमें दो ही आइटम्स थे, इडली एंड पोहा। क्वांटिटी कम, लाइक मतलब क्वांटिटी कम था, भले दो थे स्प्रेड में, लेकिन टेस्ट वॉज अमेजिंग। ऑल्सो दे आर हैविंग अ ब्रेड बटर एंड टी कॉफी, बट दो मेन्स में यही थे। एंड बाकी ओवरऑल अगर व्यू दिया जाए अबाउट दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज इज वेरी नाइस। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको 20 किलोमीटर अंदर इगतपुरी स्टेशन से आना है, सो व्हीकल इज द मेन कंसर्न। इफ यू कम बाय ऑटो तो ऑटो तो थोड़ा चार्जेस ले ही लेंगे ऑटो, बट अगर आपके आपके खुद की गाड़ी से आते हो तो वो भी बेस्ट है। तो आपको ये माइंड में रखना जरूरी है, ये 20 किलोमीटर अंदर है। एंड देन फूड वॉज वेरी नाइस, ओनली द मॉर्निंग चिकन वॉट वी ऑर्डर वॉज लिटिल रबरी, देन इट वॉज वेरी सुपर। एंड नाश्ता वगैरह बाकी सब तो अच्छा ही था। स्टे वॉज वेरी गुड, सर्विस इज वेरी फास्ट एंड वेरी नाइस, एंड पीपल आर हियर टू मेंटेन देयर प्रॉपर्टी। इट इज नॉट शैलो और शैबी है, सब प्रॉपर ही है। एंड या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, विल सी यू फ्रॉम नेक्स्ट व्लॉग। ओके बाय।